यूपी के रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने बुधवार को रामपुर पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, हमें न्यायालय ने जो न्याय दिया है उससे नाराज होकर हमें अपमानित, जलील कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने जो लोकसभा चुनाव जीता है उसका बदला लेने के लिए, जो विधानसभा के उपचुनाव को हराने के लिए हमें टॉर्चर किया जा रहा है। हमसे परसों बयान लिए गए, उसके बाद हमें 4 दिन बाद बुलाया गया, परंतु 2 दिन पहले जबरन बुलाया गया है। हम पर दबाव बनाया जा रहा है, सब कुछ ठीक है, पूरे साक्ष्य हैं, उसके बाद भी पुलिस मनमानी कर हमें फंसाना चाह रही है। हमसे पैसे ट्रांसफर, चंदा कितना मिला, साथ ही हमने रजिस्ट्री के सभी दस्तावेज पुलिस को दिखाए हैं। वहीं अब आजम खान अब एसटीआई की टीम से नाराज दिख रहे हैं। उनके इल्जाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजम खान पुलिस को बयान देने से कतरा रहे हैं। इस तरह के आरोप पुलिस जांच टीम पर लगाना यह साबित करता है कि एसआईटी की जांच आजम खान पर शिकंजा कसने लगी है। अब इस मामले में मीडिया की सीओसीटी ने बताया कि सांसद आजम खान के बयान कानूनी प्रक्रिया के तहत ही दर्ज किए जा रहे हैं। सही था, और क्या बयान अब दर्ज कराया गया? विवेचना तो कभी भी हो सकती है, तो इसमें सही और गलत का तो कुछ सवाल नहीं होता, विवेचना का पार्ट है। तो विवेचना, विवेचक जब लगता है कि उनको दूसरा पार्ट ये भी है कि जब उनकी सहूलियत भी होती है कि उनको लगता है कि दरख्वास्त दे सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं दे सकता हूँ। तो आज वो आया, आज आपने बयान दर्ज कराया, क्या बयान दर्ज हुआ, किस मामले में हुआ? जो पहले हमने प्रश्न दिए थे, जो पिछले 2 दिन पहले वो आए थे, उसमें जो प्रश्न थे हमारे, उसके कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ जो रिकॉर्ड संबंधी थे उनको बोला कि जब रिकॉर्ड उनके पास आ जाएंगे तो वो हमें देंगे। जो उन्होंने टाइम पहले मांगा था 4 दिन का, तो उसी 4 दिन के अंदर ही उन्होंने कहा है कि जो भी रिकॉर्ड संबंधी जवाब है वो सब रिकॉर्ड अपना निकलवा के वो दे देंगे। और जो रिकॉर्ड के अलावा जो सवाल थे उसमें से उन्होंने जो दे सकते थे ऐसे जवाब उन्होंने दिए हैं। किस मामले में आपसे उनसे पूछताछ की जा रही है? जो जौहर यूनिवर्सिटी के जमीन का मामला है, जिसमें कई किसानों ने ये मामला दर्ज कराया है कि उनका अवैध कब्जा कर लिया गया जमीन, ये उस मामले में। अच्छा, उन्होंने वो बता रहे हैं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल केवल 4.25 बीघा जो जमीन है उससे अलग हट करके हैं। सवाल ये, इसमें डिटेल्स मांगी गई थी, ट्रस्ट के पेपर्स, रजिस्ट्रियां और चेक्स, ड्राफ्ट, कहाँ से चल रहा आया, कितना आया, जबकि इन चीज़ों से 4.25 बीघा ज़मीन का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ हमें अपमानित करने के लिए, देश भर में हमें चोर बेईमान साबित करने के लिए, हमारी छवि ख़राब करने के लिए, लोकसभा के जीते हुए चुनाव की सज़ा देने के लिए, विधानसभा का चुनाव हराने के लिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको मालूम है, परसों हम हाजिर हुए थे, यहाँ बैठे, हमने 4 दिन का समय मांगा, फिर की कहा रिसीव कर लीजिए, नहीं रिसीव की गई। कल हमारा एसआईटी में बयान था, तकरीबन 10:30-11 बजे तक हम वहाँ रहे, निकले, हमने खाना ही खा रहे थे कि इत्तला मिली कि हमें फौरन सुबह 9 बजे तलब किया गया है। हम उसी हालत में दीवानावार भागे हैं, सारी रात के जागे हुए हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता था, मर भी सकते थे, लेकिन हमारी पुलिस को, स्थानीय पुलिस को इस बात पर तरस नहीं आया कि हम बाई रोड गए और बाई रोड फौरन 700 किलोमीटर का सफ़र करके वापस आए हैं। हमारी बहुत बुरी हालत है इस वक्त, हमें खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा है, लेकिन हम आए, हमने 1 हफ्ते का समय मांगा, हमने रिसीविंग चाही, हमें रिसीविंग ना परसों दी गई ना आज रिसीविंग दी गई, जबकि स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं हर राज्य सरकार के कि किसी भी प्रकार का अगर कोई दस्तावेज थाने में दिया जाता है तो उसकी वसूली आदि होना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है वो जुर्म है, कानूनी जुर्म है। ऐसा क्यों किया गया हमारे साथ, पक्षपात, हम ये नहीं जानते। इसके बावजूद हमने परसों के सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए, आज जो प्रश्न थे उनके जवाब दे दिए, लगभग 150-200 सवाल हमसे किए गए हैं, हमने सब के जवाब दे दिए हैं। हमें बहुत अपमानित कर रहे हैं, हमें बहुत जलील कर रहे हैं, हमें बहुत दुखी कर रहे हैं, हमें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, हमारा मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। न्यायालय ने जो हमें राहत दी है, शायद इन्हें उसकी नाराज़गी है।
और ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए हम इन्हें बुलाते हैं और ये नहीं आते। हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर ये हमें इजाज़त दें तो हम यहीं पर एक छोटा सा टाट का टुकड़ा बिछा कर यहीं बैठ जाएंगे, बेटा हमारा, बीवी हमारी और जो भी लोग हों यहीं सो जाएंगे, यहीं रह जाएंगे जब तक हमारा इंटरोगेशन करना है, जब तक मालूमात करना है हम यहाँ बाहर आने के, अगर हमें इजाज़त मिल जाए तो हम अजय भाई अब कब बुलाया आपको? अभी तो नहीं बताया, हमने तो रिक्वेस्ट की है कि जितने भी केसेस हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं आप एक वक्त में हमसे पूछ लीजिए, मगर क्योंकि हमें रोज़ अपमानित करना है, रोज़ हमें टॉर्चर करना है, रोज़ हमें जलील करना है, इसलिए हमारे साथ में इतना सब कुछ कानूनी होने के बाद भी आज भी यूनिवर्सिटी के ऊपर पुलिस गई है फोर्स लेकर, किस लिए वहाँ पहुँची है पुलिस? कुछ अब हम क्या कह सकते हैं, हम बकरी चोर हैं, हम मुर्गी चोर हैं, हो सकता है हमारी चुराई हुई बकरियाँ देखने गए हों, हमारी चुराई हुई मुर्गियाँ देखने गए हों, हमारी चुराई हुई भैंसे देखने गए हों। देखिए ये सांसद हैं, राज्यसभा की प्रोफेसर रही हैं, रिटायर्ड हैं, बैंक से लोन लेकर इन्होंने भैंसों का कारोबार किया, एक पवित्र कारोबार है, इन पर भैंसों की चोरी का इल्ज़ाम है, पेड़ चोरी का इल्ज़ाम है इन पर, पौने चार बीघा ज़मीन के हम भू माफिया हैं। जब 2 अक्टूबर है आज गजेटेड, चूँकि ये विवेचना का पार्ट है, सवाल कम होने चाहिए ज़्यादा होने चाहिए ये विवेचक के ऊपर आप छोड़ दें, तो इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब आगे कब बुला रहे हैं? आगे जैसे अभी चूँकि काफ़ी ज़्यादा मामले हैं तो इकट्ठा सब सवाल जवाब करना मुश्किल है, तो जैसे जैसे हमारे सवाल तैयार होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम नोटिस देखें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।